हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्री चैनल। दोस्तों, आज मैं राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड 2020 में किसको किसको मिला है मुख्य मुख्य खिलाड़ियों के नाम बताऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इसके पार्ट वन वीडियो में मैं राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड 2020 में कितनी धनराशि बढ़ाई गई है पहले से, उसके बारे में बताई हूँ। तो चलिए आज जान लेते हैं सभी खिलाड़ियों की लिस्ट कि राजीव गांधी खेल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड ध्यानचंद में किन किन खिलाड़ियों को यह अवार्ड 2020 में मिला है। तो पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना 1991-92 में हुआ। यह अवार्ड खेल जगत का भारत देश में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में पिछले 4 साल के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड जो है हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन दिया जाता है। और खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, यानी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, तो उसी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया जाता है। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जिनको 1991-92 में यह अवार्ड दिया गया। महिला में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? कर्णम मलेश्वरी, इनको 1995 में दिया गया। दोस्तों, जान लेते हैं इसकी धनराशि में कितना बढ़ोतरी हुआ है। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में, अब नए सत्र में 2020 में इसको 25 लाख बढ़ा दिया गया है, यानी 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। उसमें है रोहित शर्मा जो क्रिकेट से हैं, मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलेटिक्स हाई जंपर से हैं, ठीक है, और मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से हैं, विनेश फोगाट कुश्ती से हैं, रानी रामपाल महिला हॉकी प्लेयर हैं। इन 5ों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है। दोस्तों, रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले ये चौथे क्रिकेटर हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर 1997-98, एमएस धोनी 2007 में और विराट कोहली 2018 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। रोहित शर्मा चौथे खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजीव गांधी खेल कब हुआ था, कब से दिया जाता है? तो 1991-92 से, ठीक है। और खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है भारत देश में? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया पुरुषों में? तो शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड महिला में सबसे पहले किसको दिया गया? तो कर्णम मलेश्वरी के 1995 में। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 के लिए, कि राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दिया जाता है? तो बहुत लोगों को पहले वाला ही याद होगा, बट नए सत्र में जो भी दिया बढ़ाया गया है उसको याद कर लीजिए। तो अब 25 लाख दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में, और सबसे ज़्यादा धनराशि राजीव गांधी में ही दिया जाता है और सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले किस नंबर के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पे ये चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और विराट कोहली को दिया जा चुका है। तो यही सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसे आप जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, यानी 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले
खिलाड़ी को दिया जाता है और उनमें नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना प्रदर्शित होनी चाहिए। और यह खेल क्षेत्र में देने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। और अधिक पुरस्कार पाने वाली सबसे प्रथम महिला कौन है? एन लम्सडेन, हॉकी के क्षेत्र में इनको 1961 में दिया गया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें धनराशि की बात करें तो धनराशि पहले से 3 गुना बढ़ा दी गई है। पहले इसमें 5 लाख दिया जाता था, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 प्रतिमा और औपचारिक पोशाक। अब 2020 में इसे 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और 2020 में अर्जुन अवार्ड 27 लोगों को दिया गया है। उनमें से इम्पोर्टेंट जो है 7 लोग हैं, 27 लोग, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट जो है उनके मैं नाम बता रही हूँ, जैसे कि द्वितीय चंद एथलेटिक्स में हो गया, ईशांत शर्मा क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट में, दिव्या काकरान रेसलिंग में, मनु भाकर शूटिंग में, सौरभ चौधरी शूटिंग में, दत्तू बबन भोकानन रोइंग में। और यह इसमें से इम्पोर्टेंट है जैसे सुयश नारायण पैरा स्विमिंग, श्री संदीप पैरा एथलेटिक, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। दोस्तों 27 को याद करना इतना आसान नहीं है, बट इसमें से इम्पोर्टेंट जो मैं बोली इसे जरूर याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले इसमें 29 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाना था, बट इसमें से 2 खिलाड़ियों को इससे बाहर कर दिया गया, फिर 27 को ही दिया गया। बाहर करने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? साक्षी मलिक और मीराबाई चानू। इन दोनों को खेल मंत्रालय ने यह फैसला किया कि इन दोनों को पहले ही देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इन लोगों को बाहर कर दिया गया। और साक्षी मलिक कुश्ती से हैं, मीराबाई चानू जिसको साक्षी मलिक जो है 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न से इनको सम्मानित किया गया, और 2016 के रियो ओलंपिक इन्होंने कांस्य पदक कुश्ती में जीता था, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 29 खिलाड़ियों में 2 को बाहर किया गया, तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जो 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया? तो साक्षी मलिक और मीराबाई चानू यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक से अर्जुन पुरस्कार से पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई, कब से दिया जाता है? तो 1961 से, ठीक है। और दूसरे स्तर खेल में दिया जाने वाला दूसरे स्तर का एक पुरस्कार है, कितनी धनराशि दिया जाता है कि 15 लाख, ठीक है। पहले 5 लाख दिया जाता था। सबसे पहली महिला कौन है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली? तो एन लम्सडेन, हॉकी से, ठीक है। और कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को दिया गया। इसमें से मुख्य मुख्य आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये था अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों यानी कोचों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ, यानी 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाले कोचों यानी प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है। यह इसमें जो धनराशि है पहले 5 लाख दिया जाता था, अब इसमें 2020 में 10 लाख हो गया है बढ़कर, ठीक है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को, नियमित श्रेणी में और आजीवन श्रेणी यानी लाइफ टाइम श्रेणी में। तो नियमित श्रेणी में 5 लोगों को दिया गया है 2020 में, और आजीवन लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोग यानी 8 कोचों को दिया गया है। तो नियमित श्रेणी में बात करते हैं 5 कोचों यानी प्रशिक्षकों को किनको दिया गया है। पहले है श्री जुट फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी में, ठीक है। योगेश मालवीय मलखम्ब में इसको दिया गया है। जसपाल राणा में वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जसपाल राणा शूटिंग के लिए, शूटिंग को प्रशिक्षण के लिए इनको दिया गया है। कुलदीप कुमार हंडू उसू के लिए, और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के लिए, ठीक है। आजीवन श्रेणी लाइफ टाइम में 8 कोचों को दिया गया है, जिसमें से धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी में, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स में, शिव सिंह मुक्केबाजी में, रमेश पठानिया हॉकी में, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी में, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग में, श्री नरेश टेनिस में, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती में, ठीक है। नेक्स्ट है ध्यानचंद्र पुरस्कार।
दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुआ, यानी 2002 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसका पुरस्कार का नाम ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर पड़ा, ठीक है। और इस पुरस्कार को पूरी लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, इसलिए इसका नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी है। तो इस टाइप से भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसको जीवन भर की उपलब्धियों के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। और सक्रिय मतलब खेल से रिटायर होने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, इसलिए इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। और 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें धनराशि जो है पहले 5 लाख दिया जाता था, अब इसमें 15 लाख दिया जाता है 2020 से, ठीक है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो 2020 में 15 खिलाड़ियों को यह दिया गया है, जिसमें से पहला है कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स में, जिंजी फिलिप्स एथलेटिक्स में, प्रदीप श्री कृष्ण गांधी बैडमिंटन में, तृप्ति मुरगंडे बैडमिंटन में, सुश्री एल उषा बॉक्सिंग में, श्री लाख सिंह बॉक्सिंग में, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल में, श्री अजीत सिंह हॉकी में, मनप्रीत सिंह कबड्डी में, रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक में, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा एथलेटिक्स में, श्री मंजीत सिंह रोइंग में, स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी में, सचिन नाग को मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री नंदन पी बल टेनिस में, श्री नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती में। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट आप जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है याद कर लीजिए, जैसे अजीत सिंह हॉकी में हुआ, मनप्रीत सिंह कबड्डी में हुआ, रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स में हुआ, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा एथलेटिक्स में हुआ, ठीक है। स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी में हुआ, श्री नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती में। तो इन सबको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो इसमें ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरुआत हुआ, इसकी धनराशि 15 लाख हो गई है पहले से 5 लाख से बढ़कर, ठीक है। ये सब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो दोस्तों चलिए एक बार हम सभी को क्लियर कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2020 में पहले से 3 गुना बढ़ा दी गई है, जिसमें से राजीव गांधी खेल अवार्ड जिसकी स्थापना 1991 में हुआ, पहले इसमें 7.5 लाख दिया जाता था, अब 25 लाख हो गया है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरुआत हुआ, 5 लाख पहले दिया जाता था, अब 15 लाख हो गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुआ, पहले इसमें 5 लाख दिया जाता था, अब इसमें 10 लाख दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से शुरुआत हुआ और पहले इसे 5 लाख दिया जाता था, अब 15 लाख हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड 2020 में किसको किसको मिला और कितनी धनराशि बढ़ाई गई है, और कब से इन खेलों की खेल रत्न अवार्डों की शुरुआत हुई, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में और खेल रत्न अवार्डों के बारे में, स्पोर्ट अवार्डों के बारे में, जैसे माका ट्रॉफी हो गया, अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी और लॉयस अवार्ड, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो आपके माध्यम से उन तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।